किसान नेता के आह्वान पर हरियाणा में टोल 3 दिन के लिए बंद किए गए थे, जिसे अब अनिश्चित काल के लिए फ्री कर दिया गया है। इसी को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर संभू बॉर्डर पर किसान अभी भी बैठे हैं। पंजाब से अभी भी किसान दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं और किसानों ने संभू टोल बैरियर को पूरी तरह से खोल रखा है। वहीं मौसम के बिगड़ने पर किसानों ने भी अपना धरना स्थल, जो कि पहले खुले में तंबू लगाकर बैठे हुए थे, अब टोल प्लाजा के नीचे बदल लिया है, जिससे वह बारिश से बच सके। यहीं पर किसानों ने आग जला रखी है और इसके चारों तरफ साथ बैठकर आग सेक रहे हैं और उन्होंने वहां भोजन और चाय का लंगर भी लगा रखा है। गुलाब सिंह मानकपर, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन जिला अम्बाला। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, वहां से यहां शिफ्ट किया जा रहा है? देखो, इस मी के कारण हमने वहां से अपने तंबू उखाड़ कर यहां इस शेड के नीचे लिए आए हैं। मेरी सभी किसान भाइयों से, नौजवानों से बेनती है भी यहां शिफ्ट करने का, हमारा वर्षा से बचने के लिए हमने यहां शिफ्ट किया है। सभी से मेरी बेनती है भी किसी इस शेड को, इस टोल प्लाजा को बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर वो नुकसान पहुँचाएगा, हम खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार तो बाद में करेगी, पहले हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अब 4 तारीख का इंतजार में हम उम्मीद है भी ये सरकार काफ़ी हद तक समझ चुकी है भी इसको ये काले कानून 4 तारीख को वापस लेने पड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं भी हमारी जीत होगी। और इसमें मैं कहता हूँ सरकार की भी जीत मानता हूँ मैं तो। हम इसमें अपनी जीत नहीं मानते, मैं तो कहता हूँ इसमें सारे देशवासियों की जीत है, हमारी सरकार की भी जीत है। अगर ये काले कानून वापस ले ले, इसी में देश का भला है, इसमें किसान का भला है, इसमें हर नागरिक का भला है। हमसे मैं तो परम चिता परमात्मा के चरणों में सुबह और शाम को बेनती करता हूँ, अरदास करता हूँ भी इस गूंगी बैरी सरकार को सतबुद्धि बख्शे और ये काले कानून वापस ले ले। इसी में देश की भलाई है, इसी में किसान की भलाई है, इसी में जनता की भलाई है। किसान एकता जिंदाबाद। यूनियन है, जब भी कोई वो एजिटेशन करती हैं, बैंक कर्मचारी एजिटेशन करते हैं तो उनके स्वार्थ होता है इसमें। कोई टीचर यूनियन कोई धरना देती है वो अपने स्वार्थ के लिए देती है। बैंक कर्मचारी जब भी कोई एजिटेशन करते हैं उनमें अपनी तनख्वाह बढ़ाने का उद्देश्य होता है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। मेरा नाम मस्तान सिंह, सरपंच ठरुआ से, मैं किसान यूनियन का मेंबर हूँ। तो हाँ जी, आप क्या बताएं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने का, ये बरसात 2-3 दिन की नेट ने बरसात बताई हुई है, इसलिए वहाँ से टेंट उंट गिल्ले होने की वजह से यहाँ हमें छत उपलब्ध हो रही है, इसलिए वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वो रास्ता सीधा खोल देंगे उधर। आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको पूरा हमें समर्थन मिल रहा है और इसके आंदोलन के दौरान हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि किसानों को बचाओ, अगर किसान मर गया तो दुनिया में परले आ जाएगी, आपको भी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, हमें सभी बरादरी और दूसरे भी जितने भी यूनियन वगैरह हैं सभी का समर्थन मिल रहा है और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस आंदोलन को। जैसे हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो हमारी सभी हरियाणा पंजाब के हैं, जो भी उनका आदेश आएगा हम उसको और तेज़ करेंगे आंदोलन को। ये तो मौसम के कारण, नेट ने बताया भी 3-4 दिन बरसात है, जो आने जाने वाले हैं हमारे कार सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं इनको कोई दिक्कत ना है, छत उड़ा दे, ये हमारी गारंटी है, हम यहाँ किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।